हाँ, प्रणाम 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 प्रणाम, कैसे हैं? अरे जा का रहे हैं भाई, हमको तो मन का बात कर रहे हैं। का मन का बात नहीं कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, हम कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि मन में जो आया सो आके बोल के चले गए। अरे हमको मेहनत करना पड़ता है बोलने के लिए। हाँ, इसलिए हमारा बात का जो है ना, मन का बात मत समझिए, हमारा काम का बात है। आज हम आपको एमएक्स प्लेयर करके वो चैनल है, उस पे जो एक सीरियल आया है रक्त चरित्र, बड़ा मारपीट वाला सीरियल है, उसके बारे में बात करें। आप लोग कहते हैं कि भूमिका बहुत बनाते हैं, भूमिका इसलिए नहीं बना रहे हैं, सीरियल पर बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में जो ठेकेदारी होता है ना, उसी के ऊपर सीरियल है। ठेकेदारी, गुंडागर्दी, मारपीट, ढिसुम ढांसम, बत्तू लोहा, सब उसी का है पूरा। हम वो पूर्वांचल के हैं, तो हमारा तो सीरियल में बड़ा मजा है। कहानी जो है कहता है कि सच्ची घटना पे है। अब सच्ची घटना पे कौन गुंडा का कहानी है ये हमको नहीं पता है भाई, हम पहले बोल दिए। कौन गुंडा सुंडा का कहानी पे होगा, तो सच्ची घटना पे बोल रहा है, तो कोई सच्ची घटना होगा, कोई गुंडा का जीवनी उठा लिया होगा, उसी पे कहानी है। अब कौन गुंडा का जीवनी उठाया है ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको भी ना पता है, ना कहानी में लिखा है, ना ही कोनो गुंडा से मेल खा रहा है। मुझे कहानी में दिखाया गया है शुरुआत ठेका से होता है। यूपी बिहार में गुंडा सब जो है ना, उसका खर्चा ठेका से चलता है। बॉम्बे जैसा रंगदारी नहीं वसूलता है, रंगदारी वसूलने वाला काम बाद में आया है, पहले सरकारी ठेका से। सरकारी ठेका ले लेता था, 100 रुपये में लिया, 10 रुपये में काम करके दे दिया, सरकार से पैसा मिल गया 100 रुपये, कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहीं से होता है, दो गुट होता है। एक कहता है, एक गुट पहले से काम कर रहा था, एक नया गुट तैयार हो जाता है कि साला आप ठेका तब हम ही लेंगे, उस गुटवा को तो ठेका देना ही नहीं है। कहता है ठीक है भाई, विजय सिंह नाम का आदमी रहता है, कहता है हम ही अब ठेका लेंगे सारा, हम नया गुंडा है, ठेका हम लेंगे, कोयला का ठेका हम लेंगे, सारा जगह मेरा राज चलेगा। वहाँ पहले से ही किसी और का राज चल रहा था, तो झगड़ा वगड़ा होता है, खूब मारपीट खूब होता है। अंत में जो है कहानी को एक 10 एपिसोड के बाद वो मोड़ पे लाके छोड़ दिया जाता है कि आप सोचिए कि इसके आगे भी एपिसोड बनेगा। पार्ट, अगर ये पार्ट 1 अच्छा रहा ना, तो पार्ट 2 भी बनाएंगे, ले आके वहाँ पर छोड़ देता है। फिल्म का डायरेक्टर जो है रीतम श्रीवास्तव, रीतम श्रीवास्तव सब वेब सीरीज के डायरेक्टर का डिटेल्स हमसे मत पूछिए। अब रीतम श्रीवास्तव कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये हमको क्या मालूम। हम सिनेमा के आदमी हैं ना, सिनेमा के एक एक डायरेक्टर का 9 बजे पहचानते हैं, लेकिन वेब सीरीज के डायरेक्टर का नहीं। अब रीतम श्रीवास्तव का काम का है, नाम सुना हुआ नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन बनाया बढ़िया है। डायरेक्शन जो है ना, हालांकि बजट कम है, कहीं कहीं दिखता भी है कि कम बजट का फिल्म है, लेकिन डायरेक्शन जो है ना बढ़िया किया है। एक्शन सीन भी बढ़िया सब है, पूरा धूम धूम, खूब गोली बारूद है, लेकिन यहाँ एक वो गड़बड़ है, खाली गाली गलौज बहुत करता है। अब क्या होता है ना कि आप देख रहे हैं कुछ गाली, इधर गाली, उधर गाली, इधर गाली, उधर गाली, इधर गाली, तो आदमी का जो है ना थोड़ा सा मन गड़बड़ हो जाता है, किसी और के साथ देख नहीं सकता है। कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हो तो तुरंत बंद करना पड़ता है, अरे साला ये अकेले बैठ के देखिए। सीन उन नहीं है, लेकिन गाली बहुत है, जेकरा वजह से जो है आप अकेले बैठ सकते हैं, किसी के साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं। बीवी कह के खाली जो आप देखे गालिया वाला सीन देखते रहते हैं। अरे हम क्या करें भाई, हम थोड़ी देखते रहते हैं, ये तो सब दिखाता रहता है, हमारा मर्जी नहीं है। हमारा मर्जी चले तो गाली वाला सीन वाला ना देखें, गाली वाला को बोले। हम सब वेब सीरीज के डायरेक्टर से बोलते हैं, गाली उतने डालिए जितना जरूरत हो, जबरदस्ती गाली दे के, गाली डाल के वेब सीरीज को हिट मत करवाने की कोशिश करो,
गाली देने से रिलेशनशिप नहीं होता है, बल्कि गाली देने से प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है पूरा फैमिली नहीं देख पाता है, एक एक वो आदमी मोबाइल में कोना लेके बैठ के देखना पड़ता है। हालांकि आपको फायदा होता है इससे कि पांच आदमी हैं, पांचों एक साथ देखेगा तो कम फायदा होगा, सब अलग अलग कोने में घुस के देखेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए खूब गाली वाली देता है कि साला फैमिली के साथ देखिए नहीं, देखना है तो अकेले बैठ के कोना में देखो। कलाकार सब नए हैं, अच्छा अच्छा है कलाकार सब, काम अच्छा किया है। विजय का करेक्टर जो है क्रांति प्रकाश धीर झा किए हैं, विजय का करेक्टर क्रांति प्रकाश झा, अच्छा है, अच्छा किया है। अब विजय के अपोजिट में जो गुंडा है बने हैं वो नितिन धीर बने हैं। आजकल नामों में बड़ा चेंज होता है, नितिन धीर नहीं है, निकतिन धीर है। अब स्पेलिंग गलती कर दी है कि नामे रखा है निकतिन धीर पता नहीं, लेकिन निकतिन धीर है। अपने दयाशंकर जी भी हैं नेता के करेक्टर में, नेता बने हैं बिहार के पूर्वांचल के नेता, जो हार जाते हैं हमेशा, लेकिन जो है विजया जो है ना उनको जिता देता है। सब बिहार में क्या होता था ना पहले कि वोट छाप देते थे, जो है बूथ लूट जाता था, लेकिन विजया आया ना, विजया नया गुंडा था, पढ़ा लिखा था, कलेक्टर का तैयारी कर रहा था, लेकिन जो है बाबू को मार दिया तो गुंडा बन गया, अब गुंडा मर गया बन गया तो फिर गुंडागर्दी करने लगा, दिमाग चलाने लगा, तो सब नेता सब बूथ लूट लिया। ये बूथ ना लूटा, बूथ लूटने के बाद बूथ वाला जो आया था दिलवाने के लिए उसी से सबको जो है पुराना खटा दिया, नया नया पर्ची डलवा दिया और जिता दिया दयाशंकर जी को। दयाशंकर जी जीत गए, पहले हार जा रहे थे, उसके बाद दयाशंकर जी जीत गए। एकरा में रंजनी चकोर भी है, रंजनी चकोर का काम बहुत अच्छा है। और कृष्णा बिष्ट, कृष्णा बिष्ट जो है रंजनी चकोर के बॉयफ्रेंड का करेक्टर किया है, वो भी अच्छा किया है। ये दोनों बिष्ट जी जो है नेपाली ऐसा लगते हैं, लेकिन कम सुनने वाला बना है बिष्ट जी, और ये करेक्टर बहुत अच्छा किया है। अब विक्रम कोचर भी है इसमें। अब विक्रम कोचर जो है ना वो थोड़ा सनकी टाइप का गुंडा बदमाश में सनकी नहीं होता है, बात बात पर गोली मार दें, बात बात तरह गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वैसे ही सनकी टाइप का करेक्टर किया है विक्रम कोचर। और वो अच्छा किया है, बहुत अच्छा। वो दिन वो कौन खड़ा रहता है को पर वो का भैया ऐसे करके करता है, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है, सही काम किया, पूरा सनकी लगता है ये बम प्लाट सम की है। अभी पिछले में दो तीन को वेब सीरीज देखे थे ना, उतना मज़ेदार नहीं था, ये जो है ना ज़्यादा मज़ेदार है। सिंपल सीधा कम बजट कहानी, सिंपल सीधा है, सब कुछ समझ में आता है, ना कोनो टर्मिनल तोड़ना है, ना भूत और जोम्बी के चक्कर में पड़ना है, ठाए 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 पूरा गुंडागर्दी है, और पूरा 100% पैसा वसूल है।